रहे हैं स्टार खिलाड़ियों का। बॉलिंग नहीं कर पाए सर, निकल ही नहीं रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज यहाँ आईएएस वर्सेस आईपीएस का मैच शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या रहा पूरा मैच सर, कितना लक्ष्य मिला है? देखिए हमारा जो स्कोर है 160 का, हमें उसको चैलेंज बनाया है, हमें 160 लाना है जीतने के लिए, और मैं समझता हूँ कि हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमारी फील्डिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई, हमने तीन से चार का और एवरेज रखा उनको, बाद में कुछ एक्सपेंसिव हो गए लेकिन फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि वो हो गए, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बढ़िया से वो करेंगे और बहुत बढ़िया से इसको हम जीतेंगे। आप जब बॉलिंग कर रहे थे साहब के सामने, तो आप बॉलिंग नहीं कर पाए, क्या कहना? हम बॉलर्स कभी नहीं रहे हैं और बहुत दिनों के बाद खेल रहे हैं, तो इसलिए हमारा हो गया, लेकिन ठीक है, हमारे बच्चे हैं, अच्छे बॉलर्स हैं। एक तरफ सर अपराधियों को पकड़ने में आप लोग लगातार बिजी रहते हैं, आज ये मैच हो रहा है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? देखिए स्पोर्ट्स तो हमेशा आपको फिजिकली फिट बनाता है और यही कारण है कि हम लोग फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं। इसमें कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी खेला नहीं है, लेकिन सभी का मिश्रण रहता है, तो उस टीम की भावना से हम खेलते हैं। और मैं समझता हूँ कि जीते कोई भी हारे कोई भी, लेकिन टीम की भावना हमेशा जीतना चाहिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने कहा कि खेल की भावना होना चाहिए, हारे या जीते कोई भी। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी, लखनऊ।